आया है पाम तेल के कच्चे माल को लेकर बोले हैं केंद्रीय मंत्री। पाम तेल के कच्चे माल के दाम तय करेगी केंद्र सरकार। 5 साल का औसत मूल्य निकालकर पाम तेल का मूल्य तय करेंगे। बाजार में उतार चढ़ाव आया तो केंद्र किसानों को भुगतान करेगी। तेल क्षेत्र में वृद्धि के लिए सरकार 11,000 करोड़ का निवेश करेगी। ये कहना है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का। बड़ा बयान सामने आया। हमारे देश में पाम ऑयल की खेती के लिए लगभग 28 लाख हेक्टेयर भूमि चिन्हित है, जिसमें 9 लाख हेक्टेयर नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट को फोकस करके इस योजना को बनाया गया है। इसलिए भारत सरकार ने तय किया है कि हम 5 साल का एक औसत मूल्य निकाल के पाम का जो गुच्छा है उसका मूल्य तय करेंगे, और बाजार में अगर उतार चढ़ाव आएगा और दाम कम होते हैं तो जो अंतर की राशि है वो किसान को भारत सरकार भरपाई करेगी। अमरवाड़ा में वर्दी वाली पुलिस की हमदर्दी का चेहरा सामने आया है, जहां पुलिस वालों ने बच्चियों को इतना प्यार दिया कि बच्चों ने घर जाने से इनकार कर दिया है। जब अमरवाड़ा पुलिस को 3 बच्चों के अकेले घूमने की इत्तला मिली तो 3 बच्चों को थाने में लेकर आया गया और पूछताछ के दौरान बच्चियों को नए कपड़े जूते चप्पल भी दिलवाए गए, जिसके बाद बच्चे इतने खुश हो गए कि बच्चों ने घर जाने से मना कर दिया। जैसे तैसे समझाइश देकर बच्चों को उनके माता पिता के साथ घर भेजा गया। स्कूल चालू होते ही बच्चों का छात्रावास में एडमिशन करवा कर उनकी पढ़ाई करवाई जाएगी। साथ ही समाजसेवी नूपुर विश्वकर्मा ने उन मासूम बच्चों के भविष्य के लिए हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। पानी पिए और गाड़ी पे बैठ गए, वो भी बैठ गई, फिर हम यहाँ पहुँच गए और फिर रास्ते पे फिर सुधार ही मिल गए तो उन्होंने हमको थाने छोड़ दिए और फिर कपड़े लिए साहब ने और चप्पल और कल शाम 4:30 बजे हमारे ग्राम रक्षा समिति के सदस्य हैं सुजान सिंह उइके, उनके द्वारा फ़ोन में बताया गया कि अमरवाड़ा बाईपास में 3 बच्चियां हैं जो घर से निकली हैं और उन्हें घर का ठीक से पता नहीं है। हमने तत्काल थाने की पुलिस टीम भेज के उनको थाने में बुलाया गया और उनसे अच्छे से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उनकी माँ जो है बचपन में एक्सपायर हो गई हैं और पापा रहते हैं, जो पापा काम में छिंदवाड़ा गए हुए थे। उनके परिवार वालों को फिर थाने लिया, फिर हमने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि बच्चे जो है 4 बजे तक घर में थी, उसके बाद वो घर से निकली हैं, तो इसकी जांच हम की।